हेलो गाइस, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि ये हमारे पास एक छत का पंखा है। आपको भी पता है गर्मी का सीजन आ गया है, तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारा पंखा काम नहीं कर रहा तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारी चीज़ आज की वीडियो में बताएंगे, या किसी के पंखे में कोई भी प्रॉब्लम हो गई तो आप उसे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ये पंखा है, इसके बैरिंग ख़राब हो गए थे तो हम इसके बैरिंग को चेंज कर रहे हैं। जैसे कि ये दो बैरिंग है, आप देख पा रहे हैं, इन्हें हमें चेंज करना है। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं ऐसे पुलर के बारे में जिसका नाम है बैरिंग पुलर कहते हैं, पुली पुलर कहते हैं। ये हमारे पास दो प्रकार के पुलर है, एक हमारे पास ये वाला पुलर है और एक हमारे पास ये वाला पुलर है। देखिए, ये वाला पुलर कब काम आता है, ये वाला पुलर जब काम आता है जब आपका बैरिंग जो हो इस शाफ्ट में, ऐसी शाफ्ट में, देखो ये एक टाइप बताया गया है, ये नहीं कि आप पंखे की बैरिंग निकाल सको या कोई भी चीज़ आप ऐसी जगह से निकाल सकते हो। जैसे कि इसका बैरिंग यहाँ है तो यहाँ से आपको इसे किस तरीके से लगाना है, आपको इस तरीके से इसे यहाँ से लगाना है। सबसे पहले क्या करोगे, इस ग्रिप को यहाँ से लगाना होता है, इस वाले इसमें इसे यहाँ लगाओगे और इसके जो ये दांते होते हैं, दांते यहाँ से पकड़ बनाते हैं। किस तरीके से बनाते हैं वो भी हम आपको दिखाएंगे। देखिए, जैसे कि आप इसे देख पा रहे हैं, ये इसकी तीन लेग्स है, ठीक है, ये इसकी क्या है, तीन लेग्स है जो कि बैरिंग को पकड़ने का काम करती है। यहाँ से हम स्क्रॉल करते हैं तो जब हम इसे स्क्रॉल करते हैं तो नीचे को प्रेशर बनाती है, तो ये नीचे को चलेगा तो ये हिस्सा ऊपर को उठेगा, इस तरीके से आप देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप देख पा रहे होगे कि ये प्रेशर का काम करता है, यहाँ से दबाव बनता है, यहाँ से ऊपर को निकलना शुरू हो जाता है। जब हमें लगाना होता है तो हमें इस तरीके से लगाना होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, इस तरीके से इस हिस्से को हम यहाँ से टच कर देते हैं और ये तीनों जो है अपनी पकड़ बना लेते हैं। किस तरीके से पकड़ बनाते हैं, बिल्कुल टाइट करके, बिल्कुल हम आपको लाइव दिखाते हैं। देखो दोस्तों, इस तरीके से ये काम करता है। अगर यहाँ बैरिंग लगा होता है तो ये बिल्कुल सीधा होता है और इस तरीके से बैरिंग को खींच लेता, ठीक है। उसके बाद करते हैं, ये तो हुआ बाहर वाला पुलर, यानी कि जो शाफ्ट से बाहर की तरफ का पुलर हो जाए, इस शाफ्ट में से निकालना हो, इस शाफ्ट से निकालना हो, तो उसके लिए तो हम इस वाले पुलर का यूज़ करेंगे। ये आपने बहुत सारी थ्योरी की बुक में देखा होगा बना हुआ, ये कुछ इस प्रकार का बना हुआ होता है, ठीक है, बहुत सारे बच्चे ने देखा होगा, तो हम आपको ये बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं। एक पुलर होता है हमारे पास, ये वाला पुलर, ठीक है, ये क्या करता है, ये अंदर के बैरिंग, जैसे देखिए ये अंदर का बैरिंग है, अब ये निकालना है। आप मान लो इस साइड से चोट मारोगे तो चोट मारने से क्या होगा, ये टूटने का भी खतरा होता है, तो इसे निकालने के लिए आप क्या करोगे, एक बैरिंग ये रहा, एक बैरिंग हमारे पास ये रहा, तो इसे निकालने के लिए आप सबसे पहले क्या करोगे, देखिए इस ग्रिप को ये 62 और 62 दोनों के बैरिंग निकाल सकता है, 62 और 62, ठीक है। तो सबसे पहले इसे सेट कर लेते हैं, इस तरीके से हमने इसे सेट कर लिया है, ठीक है, इस तरीके से सेट कर लो। उसके बाद इसे यहाँ से प्रेस कर दो, अभी रखा गया। रखने के बाद देखिए, अगर आपको 62 का बैरिंग निकालना है तो बड़ी साइड से निकालोगे, अगर आपको 61 का बैरिंग निकालना है तो इस साइड से छोटी साइड से निकालोगे। देखो इसका आकार जो है यहाँ से छोटा है, तो यानी कि 61 का बैरिंग निकलेगा, यहाँ से इसका आकार बड़ा है तो 62 का बैरिंग निकलेगा। तो अभी मैं सब सेट कर रहे हैं, इस तरीके से हम इसको सेट कर लेते हैं, ठीक है, अभी सेट हो गया है। सेट करने के बाद इसमें एक पत्ती लगाई जाती है, ये पत्ती ये वाली होती है पत्ती, ठीक है, ये पत्ती लगाएगी ये, और अभी हमने इसे सेट करते हैं पहले। तो देखिए, जैसे कि हमने इसे सेट कर लिया है, इस तरीके से सेट कर लिया है, अब इसे क्या है, इसे हमें घुमाना होगा और इसे हमें रोक के रखना होगा। किस तरीके से रोकेंगे, अभी इस तरीके से हम इसको घुमाएंगे और इस तरीके से क्या होगा, इसका जो प्रेशर है नीचे की तरफ चलता जाए। देखिए दोस्तों, जैसे हम इसको घुमा रहे हैं, घुमाने के बाद हमने देखा कि हमारा जो बैरिंग है बस निकलने वाला ही है, बस देखो निकल गया। जैसे कि आप देख पा सकते, ये हमारा बैरिंग निकल चुका है और इसमें देख सकते हैं अब इसमें कुछ नहीं रहा। इस तरीके ये डिबली हमने किसी लिए लगाई है, देखिए ये जो साइड होती है इसमें कोई आकार नहीं है, तो इसमें फंसने का डर होता है, कभी ये जो है आकार जो है ये बाहर वाला ये इसमें फंस जाए। अब इसको बैरिंग को निकालना होगा तो किस तरीके से निकालेंगे, सबसे पहले इस शाफ्ट को निकाल देंगे, उसके बाद इस पत्ती को निकाल कर आप ऐसे रखोगे तो हमारा बैरिंग जो है ऐसे कर दोगे तो बैरिंग हमारा निकल जाएगा। उसके बाद अब हमें इस वाले बैरिंग को निकालना है, तो अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो अब देखिए ये ऊपर से बिल्कुल सेट है। अब हमें क्या करना है, 62 का बैरिंग, ये है 62 का, ये था 61 का, तो अब हमें 62 की साइड से सेट करना होगा। अब हम इसे इस तरीके से इसमें लगा देते हैं, लगाने के बाद अभी से हम सेट करते हैं, ठीक है। इतने हम सेट कर रहे हैं, इतने आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। हमने ये वाला बैरिंग भी निकाल लिया है, आप देख सकते हैं ये वाला बैरिंग भी निकल गया है, तो यानी कि 62 और 62 दोनों बैरिंग हमने निकाल लिए हैं। अब देखिए, अब इसके नए बैरिंग को किस तरीके से डालते हैं। सबसे पहले जो नया बैरिंग होता है उसमें हमें अच्छे तरीके से ग्रीस भर लेना चाहिए। ग्रीस किस लिए लेना चाहिए, देखो पता नहीं चलता कि कब तक हमारा ये मोटर चले, तो उससे बेटर है कि आप उसमें, आप जब भी नया बैरिंग डालें तो उसमें अच्छे तरीके से ग्रीस लगा कर ही डालें। हमने बैरिंग को कर लिया है,
करने के बाद इस तरीके से हम इसे सेट कर देते हैं। इतने हम सेट कर रहे हैं, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। जैसे कि सीजन स्टार्ट हो गया है गर्मी का, तो आपको इस चैनल पे बहुत सारी वीडियो मिलती रहेगी, छत के पंखे से संबंधित, वाइंडिंग से संबंधित, या कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, कैपेसिटर कैसे चेंज करें, सारी चीज़ वीडियो मिलेगी वन बाय वन। सबसे पहले इसमें कैपेसिटर के तारों की टेस्टिंग कर लेंगे, कैपेसिटर वाले वायर कौन से हैं। जैसे कि इसमें हमने टेस्टिंग किया, जो लाल वाले वायर है वे कैपेसिटर के हैं। यदि आप भी जानना चाहते हैं कि कैसे पता लगता है कैपेसिटर के वायर है, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। हम बिल्कुल आपको हर एक चीज़ वेरीफाई कर बताएंगे कि कौन से तार कैपेसिटर के हैं, किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारे पास एक कैपेसिटर है जो 2.5 UF का है, यानी कि माइक्रोफेरेड का है, 2.50। करते हैं हम इसके कनेक्शन और उसके बाद दिखाते हैं वर्किंग प्रोसेसर के कैसे ये कार्य करता है। जैसे दोस्तों, हमने इसके कनेक्शन कर लिए और हमने इसकी टेस्टिंग भी कर ली है। इस वाले चक्कर पर इसके उल्टे थे तो हमने इस पर करके सीधे कर लिए हैं। तो जैसे कि अगर तीन ही वायर निकले हुए हो और दो कैपेसिटर के आपको पता लग जाए, आपने फाइंड आउट कर लिया कैपेसिटर के कौन से हैं। यदि एक पर रिवर्स चक्कर है तो दूसरे पर आप फॉरवर्ड कर सकते हो, जिसके यानी कि कहने का मतलब यह है कि आप इसको सीधी दिशा में चला सकते हो। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।